사람들은 누구나 오늘보다 더 나은 미래를 원합니다. Whoever they are, people want a better future than what they have now. 오늘 지금보다 더 나은 미래를 만들려면 But in order to make a future that is better than right now, 설계도를 바꿔야 됩니다. Then you have to change the blueprint. 마음의 마인드를 바꿔야 된다. It means that you have to change the mind that is of the heart. 여러분 안녕하십니까? 섭고 namaste. 예, 오늘도 마인드 교육 시간이 돌아왔습니다. एक बार फिर से ये माइंड एजुकेशन का समय है. 우리가 지난 시간에는 마음의 상처와 사회 문제에 관한 부분을 강의했습니다. तो पिछली बार हमने मन के घाव और उससे जुड़े हुए जो समाज की समस्याएं हैं उसके बारे में बातचीत की थी. 표면적인 원인과 근본적인 원인에 대해서 살펴봤었고요. और मन के घावों के जो बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कारण हैं और जो मौलिक कारण हैं हमने उसके बारे में भी सुना. तो 가장 근본적인 원인까지 살펴봤습니다. तो उसके बाद हमने सबसे मौलिक कारण जो है मन के घावों क्यों होते हैं उसके बारे में भी हमने सुना. 이해를 하고 마인드 교육을 받음으로 인해서 तो मन की दुनिया के बारे में समझने के बाद और माइंड एजुकेशन 실제 목회를 하다 보면은 많은 분들이 마음의 상처를 입고 또 그 부분에 상담받기 위해서 오는 경우도 많이 있고요. 사실에 जब हम सेवकाई करते हैं तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास मन के घाव होते हैं. 또 마음이 병들어서 교회를 찾아오는 경우도 많이 있습니다. बहुत से लोग चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि उनके मन में बीमारी होती है. 그래서 이런 마음의 세계를 모르고 마인드 교육을 모르면은 그런 부분에 근본적으로 원인을 제시해 주지 못하고 또 정확한 해결책을 또 제시해 주지도 못하게 됩니다. 또 अगर हमें मन की दुनिया के बारे में या उन मौलिक कारणों के बारे में मालूम नहीं होगा कि क्यों उनके पास मन की बीमारी है तो हम उनको कभी भी मदद नहीं कर सकते. 그래서 이 마인드 교육은 아주 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माइंड एजुकेशन जो है असल में बहुत जरूरी है. 또한 여러분들 교인들 가운데 부부 사이에 문제가 있어서 상담을 받으러 오는 경우도 많이 있을 겁니다. 또 बहुत बार पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं उसकी वजह से वो लोग संगति करने के लिए आते हैं. 아니면 주변 사람과의 어떤 그런 갈등 문제 때문에 찾아온 경우도 있을 거고요. या कुछ लोग मतलब लोगों के साथ उनके जो आपसी रिश्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते इस वजह से भी परेशानी को लेकर के संगति करने के लिए आते हैं. 예, 일어나는 갈등 문제를 이제 어떻게 해소할 것이냐에 대해서 오늘은 마인드 강연을 하고자 합니다. तो आज हम परिवार के अंदर एक सास और बहू के बीच में या फिर पति पत्नी के बीच में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे. 예, 여러분이 배우고 있는 이 마인드 교육은 여러분이 실제 삶 속에 적용을 할 수 있고 또 여러분이 목회자이기 때문에 여러분에게 상담받으러 오는 사람들에게 정확하게 설명해 줄 수 있고 이런 문제를 해결해 줄 수 있는 해결책이라고 할 수 있습니다. 또 마인드 에듀케이션 आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं और क्रिश्चियन लीडर होने के नाते आप इसके द्वारा लोगों के साथ संगति भी कर सकते हैं. तो बिल्कुल ये मतलब एक सुझाव की जैसे एक किताब के समान है. 오늘 강연할 주제는 오름이 불러오는 불행에 대해서 강연을 하고자 합니다. तो मेरा आज का जो मुख्य विषय है वो खुद की धार्मिकता से आने वाली पीड़ा है. 인생에 대해서 이야기할 거고요. खुद की धार्मिकता के जो दो पहलू है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा. 예, 또한 이 오름이 여러분 삶에 미치는 영향에 대해서 이야기를 할 겁니다. और खुद की धार्मिकता किसी के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. 누구나 옳고 그름의 판단의 기준을 자기 자신에게 두고 있습니다. तो लोग जो है सही और गलत का जो स्तर है वो अपने आप में बना लेते हैं. 예, 그래서 옳고 그름의 판단의 기준을 자기에게 두기 때문에 정확한 자신의 모습을 발견하지 못하는 경우가 많이 있습니다. और क्योंकि वो ये स्तर खुद से बनाते हैं इसलिए असल में वो अपने आप को ठीक से देख नहीं पाते हैं. 자, 이 오르면은 양면성이 있는데요. तो ये जो खुद की धार्मिकता है उसके दो पहलू है. 보시는 PPT의 그림처럼 하얀 흰색 가면과 한쪽 면의 검은색 가면처럼 तो जैसे आपको यहां पे PPT में दिखाई दे रहा है यहां पे एक सफेद मुखौटा है और एक काले रंग का मुखौटा है. 그걸 가지고 있습니다. तो धार्मिकता के भी इस प्रकार से दो पहलू है. 예, 어떤 사람에게는 강한 오름을 가지고 있는데 कुछ लोगों के पास अपनी खुद की धार्मिकता बहुत मजबूत होती है. 빛이 강해서 밝은 빛이 비치면 तो जब तेज रोशनी आती है
예, 그 뒤에는 또 강한 그런 진한 그림자가 생기기 마련입니다. तो उससे जो परछाई बनेगी वो भी बहुत मजबूती से네, मतलब오름이 स्पष्ट तरीके से가는데도 दिखाई देगी। 다른 한쪽 면에서는 잘못된 많은 면이 있다는 것입니다. तो वैसे ही जब किसी की धार्मिकता बहुत मजबूत होती है तो फिर उतना ही जो है सामने वाला मनुष्य आपको गलत नजर예, 대부분 आएगा। 사람들은 자기 마음에 옳다는 생각이 들어지면 그걸 버릴 줄 모릅니다. 또 ज्यादातर लोग जो बातों को वो सही समझते हैं उन्हें मतलब आसानी से फेंक नहीं내가 पाते। 잘못된 생각은 버려야 된다고 하지만 तो जरूर वो कहते हैं कि हम अपनी गलत सोच को फेंकना चाहते हैं,자기 옳다는 생각은 버릴 줄 모릅니다. लेकिन जो चीजों को वो सही समझते हैं, उनको वो कभी भी फेंकना नहीं चाहते।실제 사람 사이에 일어나는 갈등이 있는 곳에 가보면 전부 다 서로가 옳음을 주장하기 때문에 일어나는 갈등이라고 할수 있습니다. 또 अगर आप किसी दो लोगों की लड़ाई के बीच में जाओगे, तो देखेंगे तो लड़ाई क्यों हुई है? दोनों की धार्मिकता की वजह से।예, 얼음이 미치는 영향을 모르면, अगर आपको खुद की धार्मिकता का असर के बारे में मालूम नहीं होगा,예, 이 얼음이 가져다주는 부작용을 모르면, और अगर आपको इस खुद की धार्मिकता से क्या साइड इफेक्ट आएंगे इसके बारे में예, नहीं사람들은 जानेंगे, 얼음을 가지고 살고, 또 फिर लोग 좀 अपनी धार्मिकता को 자기 पकड़ना 삶에 पसंद 얼음이 करते हैं। 가져다주는 부작용을 알면 얼음을 버리고 사는데, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि इस खुद की धार्मिकता के कितने बुरे असर आ पड़ सकते예, हैं,이 तो두वो कभी भी उसको사람의 अपने पास삶의 नहीं रखेंगे। 결과는 완전히 다르게 나타나게 되어 있습니다. 또두 प्रकार के जो ये जीवन है, इसका जो परिणाम है, वो बिल्कुल अलग है। 먼저 얼음에 대한 예로 도너츠에 관한 예를 하나 들어 설명하겠습니다. 또 मैं आपको खुद की धार्मिकता का एक उदाहरण दूंगा, 예, एक कहानी के जरिए। 여행을 하기 위해서 공항에서 탑승 대기 중이던 어떤 남자가 있었습니다. 또एक아드미 था जो विदेश जाने 왈ा था, तो 에어포트 में वो 웨이팅 에리아 में 인티자르 예, कर 라하 그는 था। 기다리는 동안 도너츠를 사서 옆에 놓고 신문을 읽고 있었습니다. और जब वो 인티자르 कर 라하 था, उसने 자케 कुछ 도넛츠 खरीदे, अपने 사트 उसे मतलब 그는 जहां 왜 बैठा 도넛츠를 था 우스케 사이드 메히 रख लिए, और फिर अपना 만지는 순간 अखबार 도넛츠가 पढ़ने 라가। 일어났어요. 또 थोड़ी 데र में 우세 जो जिस 판니 में 도넛 थे, 우스 판니 की 아와즈 아네 그래서 लगी। 자기 맞은편에 있는 사람이 자기 도넛츠 봉투에서 도넛츠를 꺼내 먹는 거예요. 또 उसने क्या देखा? 우스케 सामने एक 아드미 बैठा हुआ था, और सामने वाला 아드미 우스케 도넛 की 판니 में से 도넛 निकाल कर 신문을 खा 딱 라하 펼치고 था। 그 사람을 쳐다봤습니다. 또 उसने अपने अखबार 고 एक तरफ 키야, और 우스 아드미 키 और घूर 게 굉장히 देखा। 기분 나빴습니다. 또 उसे बहुत मतलब 구싸 아야. 왜 남의 도넛을 함부로 먹는 거야? 또얘 아드미 키 किसी अजनबी के 도넛 खा 라해? 어차피 뭐 혼자 그걸 자기가 다 먹을 게 아니었기 때문에 लेकिन उसने सोचा कि हाँ शायद ये सारे डोनट मैं अकेला नहीं खा पाता,먹는 इसलिए उसने건데 उसको ऐसे ही छोड़ दिया।자기도 하나 꺼내 먹고 उसके बाद उसने उस पन्नी में से또 एक잠시 डोनट खुद후에 के लिए마주 앉아 उठाया, 있는 그 남자도 자기 도넛 봉투에서 또 하나 꺼내 먹었어요. और कुछ देर बाद उस सामने वाले आदमी ने एक और डोनट उस पन्नी में से निकाल कर खाना शुरू किया।마지막 하나가 남았는데 अब सिर्फ एक डोनट그거 उस पन्नी먹고 में बच또 गया저거 था।꺼내서 반을 뚝 잘라서 자기에게 주고 가버렸습니다. उस सामने वाले आदमी ने उस आखिरी डोनट को भी उठाया, उसके दो टुकड़े किए, और आधा उस सामने वाली को दिया, और आधा खुद खा예, के뭐야 चला이런 गया।거예요. 너무너무 화가 났습니다. अब इस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगा। 그리고 곧 탑승하라는 안내 방송이 들려와서 자기 가방과 재킷을 들었는데 लेकिन अब उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया था, इसलिए उसने अपनी बैग उठाई, अपना सामान उठाया,자기의 그 도넛 봉투를 발견했습니다. और जब उसने अपनी जैकेट उठाई, तो जैकेट के नीचे उसने देखा कि जो जो डोनट उसने남의 खरीदे थे,도넛을 वो자기가 जैकेट के먹었어요. नीचे थे। इसका मतलब वो किसी और इंसान के डोनट खा रहा था।자신이 잘못됐고 तो असल में गलती자신 남의 उसकी थी।도넛을 먹으면서 असल में वो दूसरे आदमी के डोनट खाए जा रहा था,그 사람을 굉장히 안 좋은 눈빛으로 쳐다보고 लेकिन वो उस सामने वाले आदमी की ओर इस마지막 प्रकार घूर남의 रहा था,도넛 जैसे कि하나를 उसकी도넛 गलती자리에서 हो।줬을 때 और जब उस सामने वाले आदमी ने आखिरी डोनट का भी आधा हिस्सा इसको दिया,정말 경멸하는 눈초리를 쳐다봤는데 तो उसने सच में बहुत ही तुच्छ नजरों से उस आदमी को देखा था।자신의 그런 행동이 너무너무 부끄러워지는 거예요. और जब उसने सोचा कि उसने क्या किया, तो उसे इतनी शर्म आई। 말로 들어서 잘 실감이 안날 텐데 तो मतलब मैं आपको जब बता रहा हूं, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ आप में इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं एयरपोर्ट पे था और मैंने वहाँ से कुछ डोनट खरीदे। मैं किसी जगह पे बैठ गया, अपना अखबार पढ़ने लगा।
एक आदमी आके सामने बैठ गया, मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। मैंने दोबारा अपना अखबार खोल के पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद मुझे कुछ आवाज आई, मैंने एकदम से देखा तो उस आदमी ने मेरे डोनट के बैग में अपना हाथ डाल के उसमें से एक डोनट निकाल के खाने लगा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद मैं सारे डोनट खा नहीं पाता। फिर मैंने भी उसमें से एक डोनट निकाल के खाया और दोबारा अपना अखबार देखने लगा। और जैसे मैं अखबार पढ़ रहा था, एक बार फिर मैंने क्या देखा कि उस आदमी ने एक और डोनट उसमें से निकाल के खाया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा था कि मैं कुछ कह नहीं सका। फिर मैं भी थोड़े गुस्से से मैंने एक और डोनट उसमें से निकाल के मैंने भी खाया। और अब कुछ समय बीत गया और अगली फ्लाइट की बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने देखा कि मेरे सामने वाला जो आदमी था वो उठ जाता है और उस बैग में से आखिरी डोनट फिर निकालता है। वो मेरी तरफ घूरता है और फिर उस डोनट के दो टुकड़े करके आधा मुझे देता है और आधा खुद लेके चला जाता है। तो मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ। और फिर मैं भी उठ जाता हूँ, अपने सामान उठाने लग जाता हूँ और जब अपना जैकेट उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरे डोनट का बैग वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ना केवल मैं उस दूसरे आदमी के डोनट खाए जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और आखिरी डोनट भी उसने आधा मुझे दिया और आधा खुद खाया। आपने वीडियो को ठीक से देखा?옳다는 생각 하나가 딱 들어가니까 내가 틀릴 수도 있다는 그 생각조차 하지 못한 거죠. क्योंकि इसके पास अपनी खुद की धार्मिकता थी कि वो सही है, इसलिए उसके मन में कभी भी ये सोच नहीं आई कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो 다른 하나 예를 들면 तो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। 어떤 부부가 피크닉을 가기 위해서 치킨을 사러 갔습니다. तो एक जोड़ा था जो एक चिकन की दुकान में गए और पिकनिक के लिए उन्होंने कुछ चिकन खरीदा। 가게가 바빠 좀 기다려야 했습니다. लेकिन उस दुकान में बहुत भीड़ थी इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। 이야기를 차에 가서 기다리면 차로 배달해 주겠다고 했습니다. तो दुकान में से किसी आदमी ने उनको कहा कि आप जाके अपने गाड़ी में इंतजार कीजिए, हम ला करके आपको गाड़ी में दे देंगे। बक्सा खादा जोसन। कुछ देर बाद उन्होंने एक बक्सा लाया जिसके अंदर चिकन था और उनको दे दिया। 가서 치킨 박스를 열고 먹으려고 하는데 तो वहां से वो लोग अपने पिकनिक पर गए और उन्होंने वहां पे उस बॉक्स को खोला और जब वो खाने ही वाले थे लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उसमें चिकन नहीं था, उसके अंदर पैसे भरे हुए थे। तो असल में उस दुकान के बंदे ने उनको गलत डब्बा दिया था। और उसी समय क्या हुआ, इस चिकन की दुकान में बहुत जैसे हड़बड़ी मच गई क्योंकि उस दिन की सारी कमाई जो थी एकदम से गायब हो गई थी। 그리고 그건 외부 사람이 모르는 그런 박스에 들어 있는데. और मतलब वो ऐसे बॉक्स में रखा गया था जहां पे लोग मतलब आसानी से नहीं देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने उस चिकन के ही बॉक्स में उसे रखा था तो कोई भी उसे नहीं देखता। 없어졌으니까 내부 소행이라고 생각을 했습니다. तो इसलिए दुकान के मालिक को लगा कि शायद मेरे काम करने वालों में से ही किसी ने ये पैसे चुराए हैं। तो उसने सबको बुलाया। 조용히 그들에게 이야기했습니다. और उनको पूछा। 문제를 키우고 싶지 않다. तो मैं इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। 지금이라도 누가 가져간지 자수를 해라. इसलिए जिसने भी ये काम किया है बस अपनी गलती मान लो। 없었던 것처럼 처리하겠다. और उसके बाद मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन किसी ने भी अंगीकार नहीं किया क्योंकि किसी ने भी चोरी नहीं की थी। 갔던 그 부부는 그 돈이든 박스를 보고 लेकिन जो जोड़ा पिकनिक पर गया था उन्होंने वो पैसों का बॉक्स देखा। 때문에 그걸 가져가도 아무도 모르지만 तो असल में वो पैसे थे, अगर वो ऐसे ही ले लेते इगल 돌려줘야 되겠다 생각을 कोई मतलब कुछ नहीं कह सकता है। 그리고
치킨 가게로 다시 돌아왔어요. 레킨 ये लोग वापस उस दुकान में आते हैं. 그 사이에 난리가 난 거죠. तो जब वापस जाते हैं तो देखते हैं दुकान में हड़बड़ी मची हुई है. 이 기회를 줬는데도 아무도 사수하지 않으니까. तो मालिक ने कहा था अंगीकार करो. लेकिन किसी ने नहीं किया. इसलिए 주인이 경찰을 불렀고 मालिक ने पुलिस बुलाई थी. 자 이제 그 경찰이 와서 조사를 하고 있는 중이었어요. तो जब ये जोड़ा वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पुलिस भी वहां पर खड़ी है. 근데 이 부부가 현금 박스를 가져온 거예요. लेकिन अब ये जो जोड़ा है वो पैसे का बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि शायद किसी ने गलती से हमें ये दे दिया. 종업원이 그 치킨 박스를 혼돈한 거예요. 돈이 든 것과 치킨이 든 것을. तो कोई नया बंदा जो काम पे जुड़ा था उसने असल में गलती से पैसे वाला बॉक्स दे दिया. 예, 주인 입장에서 너무너무 고맙죠. तो मालिक ये देख के इतना खुश हुआ. 이런 사람이 있나? 아, इतने अच्छे लोग भी होते हैं. 이런 사람들은 신문사에 알려야 된다. तो इस प्रकार के लोगों के बारे में बात करनी चाहिए. 전화를 해서 신문 기사가 나와서 이 사람 선행한 걸 신문에 내 달라고 하려고 했어. तो ये मालिक क्या करने वाला था? मतलब किसी न्यूज़ चैनल को बुला के बोलने वाला था कि आप इनसे बात कीजिए, इनका इंटरव्यू लीजिए. लेकिन इस जोड़े ने बिल्कुल मना कर दिया. 처음에는 이분들이 그 겸손해서 그런 줄 알았습니다. तो मालिक को लगा कि हाँ ये बहुत ही नम्र किस्म के लोग हैं. 이야기를 절대 알려서는 안 됩니다. 사실 우리는 부부 사이가 아닙니다. लेकिन इस जोड़े ने क्या कहा? लेकिन उन्होंने कहा कि असल में हम अपने आप के बारे में किसी को बता नहीं सकते क्योंकि हम असल में शादीशुदा नहीं है. 서로 이러들은 결혼한 사람들이지만은 서로 이제 불륜을 저지르고 있는 사이였습니다. तो ये दो लोग अलग-अलग लोगों से पहले ही शादी कर चुके थे और इन दोनों का जैसे एक अफेयर चल रहा था. 중간 오를지 모르지만 다른 한쪽에는 바람을 피우고 있는 잘못된 삶을 살고 있더라는 거예요. तो चाहे इस जोड़े ने एक तरफ से तो अच्छा काम किया था वो पैसे वापस लौटाकर, लेकिन दूसरी ओर ये अपने पति और अपनी पति की तरफ मतलब वफादार नहीं थे. 예, 이처럼 사람은 누구나 양면성을 가지고 있습니다. वैसे ही इंसान के हर इंसान के दो पहलू होते हैं. तो ना केवल इंसान के दो पहलू होते हैं. 자체에 항상 양면성이 있다는 걸 기억해야 할. तो हमें जानना चाहिए कि खुद की धार्मिकता के भी दो पहलू हैं. 교통사고, 접촉사고가 났을 때도 마찬가지. तो जब दो गाड़ियां टकराती है और कोई एक्सीडेंट होता है तब भी ऐसा ही होता है. 옳다고 우기는데. तो जब दो गाड़ियां टक्कर खाती है तो दोनों ही तरफ मतलब इस बात पे जोर देते हैं कि मैं सही था. 갔을 때. तो एक बार मैं फिलीपींस में मनीला में गया था. 여기는 마닐라는 교통체증이 굉장히 심한 도시입니다. तो वहां पे जो यातायात है वो बहुत ही गंभीर हालत में है. 접촉사고라도 난다면. तो अगर मान लो किसी दो गाड़ियों की टक्कर हो जाए. 예, 더더욱 교통체증이 심해지는데. तो जो ट्रैफिक की परिस्थिति है जो यातायात है वो और भी गंभीर हो जाता है. तो वहां के मिशनरी ने मुझे एक दिन क्या बताया. 예, 자기 아들이 필리핀을 방문해서. उनका बेटा उनसे मिलने के लिए एक बार फिलीपींस आया था और उसके बाद अब वो वापस कोरिया जाने वाला था. 공항까지 데려다 주고. तो जो मिशनरी थे वो उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए. 집으로 돌아오는데. और उसे छोड़ने के बाद जब वापस अपने घर आ रहे थे. 지나서 아들이 전화가 왔습니다. कुछ देर बाद उनके बेटे ने फोन किया. 아버지 한국에 잘 도착했습니다. पिताजी मैं घर पहुंच गया कोरिया में. 필리핀에서 출발해서 아들은 한국에 도착했는데 이 아버지는 아직 공항에서 집에 도착이 안 된 거예요. तो मान लीजिए मतलब उसका जो बेटा है वो फिलीपींस से कोरिया वापस पहुंच चुका लेकिन वो मिशनरी जो है एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए थे. तो कहने का मतलब फिलीपींस का जो यातायात है वो बहुत ही गंभीर है. तो हो सकता है कि वहां पे मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ हो. 주장하려고 그 차를 치우질 않는 거예요. तो फिर लोग जो है गाड़ियों को अलग साइड में नहीं लगाते क्योंकि दोनों ही अपनी धार्मिकता पर जोर देना चाहते हैं. और फिर इतने लोगों का समय इस वजह से बर्बाद होता है. 자, 한국의 경우에는 तो जहां तक कोरिया का सवाल है जब ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है सरो उल्टाको 주장하고 차를 치우지 않아서 교통체증이 심했는데 तो पहले लोग अपनी धार्मिकता पे जोर देते थे और फिर बहुत समय बर्बाद करते थे. 지금은 그렇지 않습니다. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. 한국에는 어떻게 이제 법을 만들었냐면 अब कोरिया का जो एक नया कानून है 누가 잘했고 잘못하고 막 잘잘못만 따졌는데 पहले लोग लड़ते थे कि कौन सही है और कौन गलत है. 몇 대 몇 초로 잘못하고 잘했느냐를 따지는 거예요. लेकिन अब जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी है वो ये तय करती है. 네, 70대 30이냐 아니면은 60대 40이냐. तो गाड़ी का नुकसान देख के किसने 50% किया है किसने 40% किया है. 왜냐면 접촉사고 일어났는데 100% 잘못한 사람은 없고 क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक ही इंसान की 100% गलती है.
100% 잘한 사람도 없는 거예요. और ऐसा भी हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान 100% सही है. 그렇게 이제 옳고 그리고 퍼센트를 나누게 되었어요. 이슬에 जब वो मतलब गाड़ी की हालत को देख के इस बात का फैसला लेते हैं. 차를 비켜 주고 교통을 원활하게 해 줍니다. तो वो दोनों ही लोग मान लेते हैं कि हमारी गलती है और एकदम से अपनी गाड़ी को साइड में लगा देते हैं. 여러분 하나님 앞에서 우리 인간은 100% 옳은 것이 없다는 걸 알아야 됩니다. तो हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर के सामने इंसान के अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं है. 100% इंसान गलत है. 인간의 옳음 중에 100% 옳은 것은 아무것도 없다는 걸 알아야 돼요. तो मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी खुद की धार्मिकता असल में नहीं हो सकती. 그래도 배웠지만 तो पिछले सत्र में हमने सुना था उत्पत्ति 6:5. 예, 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 했습니다. कि मनुष्य के मन का हर एक विचार निरंतर बुरा ही है. 예, 오히려 성경은 이야기하기를 और असल में बाइबल क्या कहती है? 선도 있고 악도 있는 것이 아니라 तो ऐसा नहीं कि इंसान में भलाई और बुराई दोनों है. 인간은 항상 악할 뿐이라고 했어요. बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है निरंतर बुरा है. 또한 예레미야 17:9절에서는 और अगर हम यिर्मयाह 17:9 देखें 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라고 했습니다. तो मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है. उसमें असाध्य रोग लगा है. 만물보다 거짓되고 부패한 것이 인간의 마음인데 मन सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है. उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है. 것이 뭐가 있겠냐? तो इस मन के अंदर आप कौन सी ऐसी सही बात ढूंढ सकोगे? 만약에 쓰레기장에서 음식 쓰레기를 뒤지는 사람이 있다고 합시다. तो मान लो किसी कूड़ेदान में कोई इंसान खाना ढूंढ रहा है. 예, 거기서 뭔가를 까만 비닐봉다리에 열심히 주워 담았다고 합시다. मान लो उसने कुछ ढूंढ लिया और एक काले रंग के पन्नी में डाल दिया. 예, 여러분 거기서 먹을 만한 것이 뭐가 있겠느냐? तो असल में उस पन्नी में से ऐसी कौन सी चीज होगी जो आप सच में खा सकोगे? 쓰레기 음식물 쓰레기통에서 뭔가를 주워서 먹을 만한 걸 주워 담아서 그걸 여러분이 주면 여러분 그걸 먹을 수 있겠냐는. तो वो कूड़ेदान से निकाली हुई चीज है. तो कूड़ेदान से निकली हुई चीजों में से सच में आप कुछ कैसे खा सकोगे? 하나님은 우리 인간의 의를 다 쓰레기통에 버린 것과 같습니다. तो परमेश्वर ने भी इंसान की धार्मिकता को इसी प्रकार बिल्कुल कूड़े में फेंका है. 우리가 볼 때는 선한 것이 있는 것처럼 보이고 हमारी आंखों में चाहे वो अच्छा लगता है. 옳은 것처럼 보여. हमारी आंखों में चाहे वो सही नजर आता है. 하나님은 그걸 쓰레기통에 다 버려버려. लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरीके से इस इंसान की धार्मिकता को जैसे कूड़े में फेंक दिया है. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라는. और परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का मन सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है. उसमें असाध्य रोग लगा है. 하나님은 의가 없다는 것입니다. इसका मतलब मनुष्य के अंदर कोई धार्मिकता नहीं है. 자, 근데도 사람들은 나름대로의 자기 스스로의 옳음을 가지고 있습니다. लेकिन फिर भी मनुष्य जो है अपनी खुद की धार्मिकता पे जोर देता है. 자, 여러분 우리는 옳음이 미치는 영향에 대해서 살펴볼 텐데요. तो खुद की धार्मिकता का एक इंसान पे क्या असर पड़ता है इसके बारे में मैं बताऊंगा. 영향 네 가지를 살펴볼 겁니다. तो खुद की धार्मिकता के जो चार असर इंसान पे आते हैं वो देखेंगे. 첫 번째, 이 옳음은 사고력을 방해합니다. तो सबसे पहले खुद की जो धार्मिकता है वो इंसान को गहराई से सोचने नहीं देती. 그래서 사람들은 1차적인 생각만 하고 살고 2차적인 생각, 3차적인 생각은 못하게 막습니다. इसलिए लोग पहले गहरे की सोच में ही फंस जाते हैं. वो दूसरे और तीसरे गहरे की सोच तक पहुंच नहीं पाते हैं. 또한 이 오름은 우리가 보는 시야를 좁게 만듭니다. दूसरी चीज क्या है कि खुद की धार्मिकता इंसान की सोच को बहुत ही मतलब संकरा बना देती है. तो हर बात के बारे में इंसान के पास अपनी खुद की एक राय होती है. 오름은 세 번째로 고립을 가져줍니다. तो इतना ही नहीं, तीसरी बात, खुद की धार्मिकता इंसान को जो है अकेलेपन की ओर ले जाती है. 고립돼 있음으로 인해 사람들은 오만해지게 됩니다. और फिर अकेलेपन के कारण इंसान जो है घमंडी बन जाता है. 자, 네 번째, और चौथा, 이 오름은 교류를 차단합니다. और खुद की धार्मिकता जो है मन के आदान प्रदान में रुकावट लाती है. 사람들은 행복을 느끼는 것이 아니라 오히려 불행을 느낍니다. और उसकी वजह से मन में खुशी नहीं रह जाती और सिर्फ पीड़ा और दुख रह जाता है. 이 오름이 미치는 영향 네 가지를 하나하나 상세하게 살펴보도록 하겠습니다. तो हम एक एक पॉइंट को अभी देखेंगे. 자, 첫 번째, 이 오름은 사고력을 방해한다. तो सबसे पहले खुद की धार्मिकता जो है इंसान को गहराई से सोचने से जैसे रोकती है. 예, 공항에서 남의 도넛을 먹은 그 남자. तो एयरपोर्ट पे जो आदमी किसी दूसरे आदमी के डोनट खा रहा था. 자기 속에 이 사람 무리하게 왜 남의 도넛을 먹는 거야 하고 옳은 생각이 하나 딱 들어온 거죠. उसके अंदर अपनी खुद की सही सोच थी कि ये आदमी दूसरे
आदमी के डोनट क्यों खा रहा है सिंगाकी तेमुने और क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सही है इच्छाजगिन सिंगाक समचजगिन सिंगाकल मोथामिया इसलिए वो दूसरे दायरे की दूसरे घेरे की सोच में प्रवेश नहीं कर पा रहा है डोनट मुंगनुंगा ये आदमी मेरे डोनट क्यों खा रहा है ओ होशी नेह गसी आनिंगा ओ शायद ये मेरे डोनट नहीं है नामे हुरकतो अन मोक्को हमप्रो नामे डोनट्स मोउचिन अनल टेंदे कोई भी इंसान आसानी से ऐसे किसी और के खाने में से नहीं खाएगा सिंगाकले बो तो अगर वो और गहराई से इस प्रकार सोचता हमबोन तुल्लो भोगो छाजाबोन भत्तामियो और अगर वो आसपास अपने आसपास थोड़ा सा देखता चाक्या मिथे इन जागी डोनट्स बालगेन हेसल तो फिर जरूर उसको अपने डोनट की वो बैग दिखाई देती जो उसके जैकेट के नीचे पड़ी हुई थी और फिर मैं तो बच गया मैं सोचने लगा था कि वो जो टेबल पर पड़े हुए डोनट है वो मेरे हैं मेरे डोनट तो जैकेट के नीचे पड़े हैं तो मैं तो गलती करते करते बच गया तो अगर आप अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक के दूसरे घेरे की सोच या तीसरे घेरे की सोच में प्रवेश कर सकेंगे तो आपके जीवन में इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे तो खुद की धार्मिकता जो है हमें अपनी धार्मिकता से इस प्रकार बांध देती है कि हम उसके आगे लाइक सोच नहीं पाते चुंगुगे साजासंग गाउंदे जल्यंग जिहेरानन मारी इस्मिदा तो चाइना की भाषा में जो है चार ऐसे अक्षर हैं ई मारन ओडिसो नावान्न्यामे जल जंग ही वे ए चुंगुगे जांगवांगिरानन वांगी वांगी इस्सन्नंदे जांगवांगी इस्सन्नंदे तो चाइना में एक राजा था जिसका नाम था राजा जांग ए कनोन 전쟁에서 승리를 거두고 난 다음에 신하들을 불러다 잔치를 베풀었습니다. तो उसने अपने सारे सिपाहियों के लिए एक दावत रखी थी जिन्होंने युद्ध लड़के युद्ध में जीत हासिल की थी. 그의 충신들 장군들 신하를 불러서 큰 잔치를 했는데. और क्योंकि उसने क्योंकि उस उन दास उन सिपाहियों ने बहुत बड़ी बड़ी जीत हासिल की थी इसलिए उसने ये बड़ी सी दावत रखी थी. लेकिन दावत के अंदर अचानक से ऐसा हुआ कि बिजली चली गई और अंधेरा छा गया योइनी फीमेल चिल्ड्रन सॉरी का तलियस और एकदम से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई कौन कर सॉरी न कहे एचबिन योइनी चिल्ड्रन सॉरी यस तो वो जो आवाज आई थी वो राजा के पत्नी की आवाज थी दुगा दे मोमे सोनल देता गो हे मेरे राजा किसी ने मेरे हाथ को छुआ है कैसे देगा कहे खक्कनल कनत्ता गो और मैंने उसकी टोपी के पट्टे को तोड़ के मेरे हाथों में लिया है तो आप जल्दी से लाइट ऑन कर दो तो हम उसे पकड़ ले और बहुत जैसे हड़बड़ी मच गई लेकिन ये राजा जो था गहरी सोच रखने वाला राजा था तो शुरू शुरू में उसे भी गुस्सा आया कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई कि मेरी रानी पर हाथ उठाए तो वो उसे ढूंढ के एकदम से उसे सजा देने वाला था लेकिन ऐसे खुशी के अवसर पर तो क्यों जो है मैं अपने एक अच्छे सिपाही को इस प्रकार सजा दूं और इस अच्छे अवसर को खराब करूं इसलिए उसने क्या आदेश दिया पुरुल खेजी मारा नहीं फिर से रोशनी मत करो वो खक्कनल कंजस अपुरो था धंजरा और मैं सब सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि आप सब अपनी टोपी के पट्टी को तोड़ के निकाल दो और उसके बाद जो है उन्होंने लाइटें ऑन कर दी जामु तो मोर जो तो फिर अब किसी को नहीं पता चला कि वो कौन था जिसने रानी को हाथ लगाया था तो जब ये राजा अपने दूसरे घेरे की सोच में गया तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ कि दावत अच्छी तरह चली और फिर उस सिपाही की जान बच गई몇 년 후에 전쟁이 있었는데 कुछ साल बाद दोबारा से युद्ध हुआ ए 왕이 위기에 빠져 있을 때 और एक बार ऐसा समय आया जब राजा की जान खतरे में थी जब राजा की जान खतरे में थी तब एक सिपाही आता है और वो राजा की जान बचाता है तो राजा उसके प्रति इतना धन्यवादी था तब जो है वो सिपाही राजा के पास आके अंगीकार करता है हे मेरे राजा कुछ साल पहले असल में मैं मरने ही वाला था वांगे एचबे सोनल देन सारामी चयस्मिदा जब तूने वो दावत रखी थी असल में मैं वो इंसान था जिसने रानी को हाथ लगाया था सारास्मिदा
लेकिन तुम्हारी दया के कारण असल में मैं जिंदा रह सका। इच्छाजगिन सागोरल हमुरे इनायसो। लेकिन क्योंकि वो राजा जांग अपने दूसरे घेरे की सोच में जा सका। विकित ते जागिरल दोआजुल जांगसुरल अदसल पुम्मा नानिरा। ना केवल उसे ऐसा सिपाही मिला जिसने उसकी जान को बचाया। मानन युइगल अदसम। लेकिन उसने और बहुत सी चीजें असल में पाई। बोरियमुरो इनायसो अदजिन मानन युइग इन्नंदे दो बुलगुआ। तो अपनी खुद की धार्मिकता फेंकने के इतने सारे फायदे हैं। Yeah, 사람들은 그 얼음을 버릴 줄 모릅니다. 하지만 फिर भी लोग नहीं जानते कि अपनी धार्मिकता को कैसे फेंका जाता है. 이제 얼음 미치는 영향은 편중되게 만듭니다. और दूसरी चीज जो खुद की धार्मिकता होती है वो हमारी जो सोच को बहुत संकरा बना देती है. हमारी सोच को बहुत छोटा बना देती है. 하나에만 빠져 다른 것을 보지 못하는 거예요. We are completely absorbed in one, unable to see the other. 또 हम एक ही चीज में गिर जाते हैं और इसलिए उसके बाद से हम दूसरी चीज देख नहीं पाते हैं. तो उदाहरण के लिए साक्षीनिंदेयो. तो अनसन नाम के शहर में ये हादसा हुआ था. 많은 때문에 일어난 사건입니다. 또 मतलब 10 डॉलर टैक्सी के किराए को लेकर असल में ये बड़ा सा हादसा हुआ. 저녁에 술을 먹고 근황하게 취해서 택시를 탔습니다. तो एक आदमी था जिसने रात को शराब पी थी और फिर वो घर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गया. जो अधिकारी कापसिता हो टैक्सी में मानने ले देगो मंजर टैक्सी में मानने लेगो कि चित्ता से ऐसा जामी दरस. तो उसने ड्राइवर को कहा कि मेरा घर इधर है और उसने पहले ही उसका जो किराया था $10 उस ड्राइवर को दे दिया. सुमिरा नेरी सिचो. कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब आपका घर आ गया है. और जब ये मनुष्य उतर के घर जाने वाला था ड्राइवर कहने लगा भाई साहब किराया तो दीजिए. नेगा थेल थल ते मानन चुची अनन्याको. तो सवारी कहने लगी मैं तो आपको किराया दे चुका हूं. We drove. अन जुशियसमिरा. तो ड्राइवर ने कहा नहीं आपने तो पैसे नहीं दिए. पण इ सारामन नोल सबकानजुगुरो क्रिके सारावासमिरा. लेकिन ये आदमी जो था मतलब ऐसे ही करता था. मुंजो टैक्सीबीरो लेनन सबकानियस. क्योंकि शराब पीता था इसलिए पहले से ही वो मतलब किराया देता था. मानन छुंगबनाको नामकी तेमुने. वो जानता है कि उसके घर तक का जो किराया है वो $10 से ज्यादा नहीं होता. और हमेशा वो पूरे $10 देके हमेशा ऐसे ही वो घर आना जाना करता था. और क्योंकि वो इसी प्रकार करते आया था उसने इस बार भी इस ड्राइवर को $10 दिए थे. तो असल में ये ड्राइवर जो है उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था. और ड्राइवर को लगा कि ये आदमी तो अभी नशे में है तो इसे तो याद नहीं आएगा. मानो तो योगा और वो सोच रहा था कि वो और $10 उससे ले लेगा. दूसरा भी जे ओक्सिंगासी मालदा तुम. लेकिन अब जो है इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई. मानो छुची अनन्या. मैं पहले ही किराया दे चुका हूं. कितना गो. ड्राइवर ने कहा नहीं आपने पैसे नहीं दिए. कितना गो जिगो नारल सोगिनुम गन्या. क्या तुम मेरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने शराब पी है. सोनी मुखागना. तो वो सवारी भी गुस्सा हो गई. तो ठीक है चलो पुलिस थाने चलते हैं. तो दोनों पुलिस थाने चले गए. और जब उसने पुलिस वाले को बताया कि क्या हादसा हुआ. ये, तो आपको क्या लगता है पुलिस किसकी बात पर विश्वास करेगी. एक सवारी जो शराब के नशे में है या उस ड्राइवर पे विश्वास करेगी. हाँ ड्राइवर पे विश्वास करेंगे. तो पुलिस वाले ने कहा कि अगर आपने टैक्सी ली है तो जरूर उसका किराया तो देना पड़ेगा. मानन देवा देता मारिया. तो ये सवारी कहने लगी हाँ तो मैंने पैसे तो दिए थे. लेकिन ड्राइवर कह रहा है नहीं भाई साहब आपने पैसे नहीं दिए. वाली टैक्सी मानन देगो. आप जल्दी से मेरे $10 दीजिए और आगे जाइए. नोम नोम हागा नासमी. इस आदमी को अब इतना गुस्सा चढ़ गया. चल तो था हम तुमसो किया. पुलिस वाले भी सारे बेकार है. कोसो गैंगस्टर से नानदोंगल बुरीदागा. और फिर उसने पुलिस स्टेशन में भी बहुत जैसे हल्ला मचा दिया. युचिसांगे काचा बोले. तो उसको उन्होंने लॉकअप में डाल दिया. नोम नोम हागा नास. उसका गुस्सा और भी बढ़ गया. आचिमे देसो गैंगस्टरी फुरो जोंदेन्दे. सुबह उसको लॉकअप से बाहर कर दिया गया. असो जुयुसोए गासो हिबालजुरुल हान तोंग सावास. लेकिन ये आदमी इतना गुस्से से भरा हुआ था उसने जाके केरोसिन का डब्बा खरीद लिया. सो चाशी चादोवासो सागवा हेरा. और एक डब्बा केरोसिन लेके वो उस पुलिस थाने के सामने आ गया और कहने लगा अब भी मुझसे माफी मांगो नहीं तो ये सारा केरोसिन मैं अपने ऊपर डाल दूंगा और अपने आप को जला दूंगा. गैंगस्टरी अजे पामे सोदोंग टैक्सी भी मानन तेमुने सोदोंग बुरिन के सारामिन गल बोगो. तो पुलिस वाले ने देखा कि ये वही आदमी है जिसने रात को भी तमाशा किया था. आय चो सारा सुर आजिक धल के ना तो आने. और फिर सोचा ये आदमी अभी भी शायद नशे में है.
이상한 사람이라고 생각을 했어요. और उनको लगा कि ये बहुत ही अजीब आदमी है. 주장에 아무도 대꾸하지 않았어. और असल में किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. 택시를 탔던 손님 너무 화가 나서. तो इस आदमी को इतना गुस्सा चढ़ गया. 몸에다가 휘발유를 뒤집어 쓰고. उसने जब वो सारा केरोसिन अपने शरीर पर डाल दिया और फिर अपने आप को आग लगा दी. 몸에 불이 붙었고. और कुछ ही पलों में उसके पूरे शरीर पर जैसे आग लग गई. 달려와서 불을 끄고. उस समय पुलिस गई और उसको रोकने की कोशिश की. 옮겼는데. उसको एकदम से अस्पताल लेके गए. 그 몸에 전신에 화상을 입었어. उसका पूरा शरीर जैसे जल गया था. 그럼 사람 몸에 전신에 화상을 입으면 तो पूरा शरीर क्योंकि जल गया था. 피부가 호흡을 해야 되는데 호흡을 못 한답니다. तो असल में जो त्वचा होती है उसको भी श्वास लेना पड़ता है लेकिन 그래서 죽는답니다. वो नहीं हो पा रहा था. 병원에 입원해 있고 तो अब ये बंदा अस्पताल में हो गया. 됐습니다. और ये एक बहुत बड़ी जैसे खबर हो गई. 찾아오 또 리포터즈 아 가에 결국 이 택시 손님이 만원 냈다는 것이 옳다는 것을 인정해 주게 된 거죠. और लोग उसको मानने लगे कि हां आप सच कह रहे थे कि आपने 10 डॉलर आपका किराया पहले दे दिया था. 만원 안 내고 분신 자살을 시도할 사람은 아무도 없으니까요. क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो फिर कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने आप को इस बात को मतलब सही साबित करने के लिए अपने आप को जला दे. 책임자는 이제 옷을 벗게 되고 तो उसके बाद जो पुलिस वाले थे उनको इस्तीफा देना पड़ा. 담당 경찰도 강등을 당하고 문책을 받게 되고 और मतलब कुछ और भी पुलिस वाले थे जिनको इस्तीफा देना पड़ेगा पड़ा इस हादसे की वजह से. 근데 그 아내가 너무너무 고통스러웠어. लेकिन अब ऐसा हुआ कि इसकी पत्नी इतनी मुश्किल में गिर गई. 남편이 이렇게 이런 일을 당해서 이제 죽어가고 있으니까. उसका पति जो शाम को घर आने वाला था अगले दिन वो देखती है कि वो बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच गया है. 근데 마침 그 옆집에 굿뉴스 미션 처치를 다니는 멤버가 있었습니다. तो इस आदमी के पड़ोसी एक ऐसा परिवार था जो हमारे गुडन्यूज़ चर्च आते थे. 그 부인에게 복음을 전해 준 거. तो उस पड़ोसी ने इस आदमी के पत्नी को सुसमाचार प्रचार किया. क्योंकि वो इतनी मुश्किल में थी उसके मन में इतना खालीपन आ गया था तो उसने सुसमाचार को सुना और उसने उद्धार पा लिया. तो ये बोगम चले जो चौकेट और उसे लगा कि अगर मेरा पति भी ये सुसमाचार सुने तो कितना अच्छा होगा. 병원에서 살지 못한다고 하는데 तो अस्पताल वालों ने पहले कह दिया कि अब ये जिंदा नहीं रह सकते. 중국 가슴 좋겠. मैं आशा करती हूं कि मेरे पति भी सुसमाचार को सुने और उद्धार पा सके. 다 그랬습니다. 우리 남편 병원에 있는데 와서 복음을 좀 전해. और फिर उसने ऐसे मतलब निवेदन किया कि क्या आप में से कोई आके मेरे पति को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं. तो अब चर्च में से कुछ लोग जाने वाले थे अस्पताल में उनको मिलने के लिए और प्रचार करने के लिए. 이는 사실을 깨달아야죠. तो सबसे पहले तो इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि मैं एक पापी हूं. 당신도 죄인이라고. तो पास्टर ने कहा कि तुम एक पापी हो. 하나님 앞에서는 항상 악할 뿐인 인간이라고. और परमेश्वर के सामने सब मनुष्य निरंतर बुरे ही है. 근데 사람 바로 소리를 질렀습니다. लेकिन ये आदमी गुस्से से चिल्ला उठा. 나는 잘못한 거 없어. मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. मेरे अंदर कोई पाप नहीं है. 놈이 나쁜 놈이지. वो टैक्सी ड्राइवर वो गलत है. 들으려고 하지 않았어. तो वो बिल्कुल भी मतलब वचन सुनने को तैयार नहीं हुआ. 찾아갔는데. तो अगले दिन फिर से यक्षिणा माचंगा चर्च के लोग उससे मिलने गए. 마음은 자기가 옳다는 생각으로 강팍해져 있었고. तो ये आदमी अपनी खुद की धार्मिकता में इतना बंधा हुआ था. उसका मन अपनी खुद की धार्मिकता से इस प्रकार भरा हुआ था. 결코 자신이 죄인이라는 걸 받아들이려고 하지 않아. कि वो अंत तक इस बात को मान नहीं सका कि वो पापी है. 극기하는 복음을 전해주는 주로 간 사람을 나가라고 내어 쫓기까지 했어. और जो लोग उसे सुसमाचार प्रचार करने आए थे उसने उनको भी निकाल बाहर कर दिया. 예, 화상을 입은 사람은 점점 썩어 들어가고 있고. और क्योंकि उसका शरीर पूरा जल गया था वो सड़ने लगा था वो बिल्कुल जैसे मरने की हालत में पहुंच गया था. 이 사람을 위해서 복음을 전해주고 구원받고 천국 가는 길보다 더 복된 길이 없죠. तो असल में सिर्फ सुसमाचार सुन के स्वर्ग जाने के अलावा इस आदमी के पास और कोई आशा नहीं थी. 근데 어느 날 이분이 자기의 오름을 내려놓게 됐어. लेकिन एक दिन ये अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक सका. 그날도 강퍅한 마음이었지만 चाहे उस दिन भी उसका मन कठोर था लेकिन जो पास्टर उससे मिलने गए थे उन्होंने उससे कहा हाँ तुम सही हो तुम सही थे. सही बात है कि तुम तांगशिन टैक्सी भी मानन देंगे तो साशिरी टैक्सी का किराया दे चुके थे. सागा चालमुथान का बात. और हाँ ये भी सही है कि वो टैक्सी ड्राइवर गलत है. धारण हन चोंग मेनल भारा बोरा को. लेकिन तुम दूसरी ओर देखो टैक्सी भी मानन देंगे ओरल ची मोरे. तुमने $10 टैक्सी का किराया दिया यहाँ पे तो तुम सही हो लेकिन दूसरी तरफ
당신 이렇게 죽으면 अगर तुम मर जाओगे 당신은 당신 아내에게 큰 죄를 짓고 당신 아들에게 큰 죄를 짓는 거. तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। 나는 남편 없이 살아가야 되고 당신 아들 아빠 없이 살아가야 되는데 तुम्हारी पत्नी को अब से एक विधवा के रूप में जीना पड़ेगा तुम्हारे बच्चों को बिना पिता के जीना पड़ेगा तो तुम्हारी इस धार्मिकता का क्या फायदा तरल ते इस सारा मामे ओरमी परियसस्मी तो जब इस आदमी ने ये बात सुनी तब जो है वो अपनी खुद की धार्मिकता को फेंक सका तो उसकी सोच इस प्रकार छोटी हो गई थी कि वो सिर्फ एक ही बात को देख पा रहा था उल्टा कि सिंगा खाना ही मजसो क्योंकि वो अपनी खुद की धार्मिकता में इस प्रकार फंस गया था 자기 아내에게 큰 죄를 지었고 자기 아들이 큰 죄를 지었다는 거 생각은 못한 거예요. तो उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ कितना मतलब जैसे बड़ा पाप किया था. 자기의 오름을 버리고 마음을 돌이켰습니다. उस समय वो अपनी धार्मिकता को फेंक सका और अपना मन फिरा सका. 그리고 구원을 받고 돌아가죠. और मरने से पहले वो उद्धार पा सका. 깨닫고 तो उसे वो अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ. 맞습니다. और वो ये कह सका कि मैं भी धर्मी हूँ। 천국 갈 수 있습니다. और अब मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ। 네, 짧은 시간이었지만 행복한 시간을 보내다가 그가 주님 앞에 섰습니다. लेकिन जो भी है मरने से पहले वो प्रभु के साथ ऐसा समय बिता के प्रभु के पास लौट सका। 사단은 사람들의 마음에 오름을 버리지 못하게 만듭니다. तो शैतान लोगों को ऐसा बना देता है कि वे अपनी धार्मिकता को ना फेंके। 자, 이 오름이 사람들의 시야를 좁아지게 만들고 편중되게 만드는. तो अपनी हमारी खुद की धार्मिकता जो है हमें मतलब एक ही चीज की ओर ध्यान देने के लिए बना देती है और अपनी उस सही सही सोच के कारण कि हाँ मैं टैक्सी का किराया दे चुका हूँ उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली तो वो इससे आगे बढ़ के सोच नहीं सका कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा तो खुद की धार्मिकता इस इंसान को असल में बहुत ही दयनीय बना देती है तो हमें जानना जरूरी है कि चाहे वो किसी भी प्रकार की खुद की धार्मिकता क्यों ना हो इसे फेंकना आवश्यक है और ये खुद की धार्मिकता जो है इंसान को अकेलेपन की ओर ले जाती है और फिर मनुष्य का मन घमंडी बना देती है तो हम ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन तो अगर ये फोन सिर्फ घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता तो फिर इसका क्या फायदा होता तो मोबाइल फोन ऐसा होना चाहिए जो कहीं भी काम कर सके तो मनुष्य का मन भी बिल्कुल ऐसा है 예, 사람의 마음의 영역도 넓혀가야 하는데 교류를 통해서 또 아단 프로단세 함에 अपने मन के दायरे को भी चौड़ा करना चाहिए 예, 오름이 많은 사람은 लेकिन जिस इंसान के पास अपनी खुद की धार्मिकता होती है 누구와 교류가 잘 안 돼 वो आदान प्रदान नहीं कर पाता अपना मन दूसरों के साथ बांट नहीं पाता क्यों क्योंकि उसका मन घमंडी हो जाता है वो दूसरों की बात नहीं सुनता 예, 다른 사람의 도움을 필요로도 하지 않습니다 और दूसरों से वो कोई मदद भी नहीं लेता 이솝 우아 가운데 우물한 개구리 이야기가 있는데 에솝의 가타오메 एक कहानी है जिसका नाम है कुएं में मेंढक 안에 살고 있는 개구리들은 तो एक मेंढक है जो कुएं में रहता था 엄마 개구리가 제일 큰 줄 알았습니다 तो उस कुएं में रहने वाले मेंढकों के लिए सबसे बड़ा मेंढक उनकी मां था 그때이기 때문에 자기가 제일 큰 줄 아는 वैसे ही जो लोग अकेलेपन में रहते हैं उनको लगता है कि मैं सबसे महान हूं 마음도 서로 교류 없이 살아가면 तो जब लोग मन के आदान प्रदान के बिना रहते हैं भाईगा जेल चालन जो अलग ओमाने पाजी के थे उनको लगता है कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ और फिर वो इस प्रकार के घमंडी मन में गिर जाते हैं के नागासो हांगसुरल पास तो ये जो छोटे मेंढक थे एक दिन बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने एक बैल देखा खन जुर आरानंदे अमामागे खन सोरल बोगुनों तो अब तक उन्हें लग रहा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी उनकी माँ है लेकिन जब उन्होंने वो इतना बड़ा विशाल बैल देखा वो इतने हैरान हो गए घर आकर के उन्होंने अपनी माँ से कहा अम्मा अम्मा उरी ओनर भाग के नागासो खन डोंगुरल बात्ता को माँ माँ हम आज बाहर गए थे और हमने एक बहुत ही विशाल सा जानवर देखा उस माँ मेंढक को बहुत ही बुरा लगा चाहिए बता तू खन डोंगुरी इत्ता हुआ ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जानवर मुझसे बड़ा हो? अम्मा के गोरिया पे बारामल चांद तक चिम इमानकम खतन्या। तो तब से उसने अपने शरीर को हवा से फुलाना शुरू किया और कहने लगी क्या वो जानवर इससे भी बड़ा था? वो भिग्यू का अंधे। तो बच्चे कहने लगे हाँ माँ इससे बहुत बड़ा था। अम्मा के उन्हें धक्के धक्के
तो उसने अपने अंदर और भी हवा डाल के और अपने आप को फुलाया है। कबूतर धक खतानी का क्या इससे बड़ा है? हाँ माँ, इससे बहुत ज्यादा बड़ा था। पेगा पंग फजा चुक। उसके बाद इस माँ मेंढक ने इतनी हवा अपने अंदर भरी कि वो फट के मर गई। तो साथ आइदर के दिल्ली चुनौन क्रोन या की चरम बोई जी। तो सुनने में तो ये जैसे बच्चों की कहानी लगती है। उन्होंने ओमान해져서 고립되어서 자기가 잘난 줄 알고 살고 있는 현대인들의 모습을 잘 나타내는 이야기. 근데 사실에 이 कहानी आजकल के लोगों को दर्शाती है जो सोचते हैं कि वो सबसे महान है और घमंड में जीते हैं। 일본에 식민지 생활을 한 적이 있는데요. तो एक ऐसा समय था जब जापान ने कोरिया पर राज किया था। 사실 한국은 일본보다 그 전에 훨씬 더 뛰어난 문화와 문명을 가지고 있었어요. तो असल में कोरिया का सामाजिक विकास जापान से कहीं ज्यादा आगे था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जापान ने कोरिया पर राज किया? उन्होंने सेगुक जंगचेक ते मुने करस। तो ऐसा राष्ट्रीय अलगाव नीति की वजह से हुआ। ये जोसन शिदे वेगुक का ये क्योरुरल जेआन हागो इजे उरी उरी नाराए कत उरी कम्मां गाजिको जाल सालगेत्तानन इरन सेगुक जंगचेकल सस। तो ये ऐसी राजनयिक नीति थी जिसमें अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते को सीमित करने के लिए देश को बंद कर दिया गया था। सयांगे मुम्बुरल पारगे पादा थे। लेकिन इसके विपरीत जो जापानी लोग थे उन्होंने तेजी से जो है पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया। तो इसलिए जापान जो है वो कोरिया से कहीं ज्यादा विकास कर गया। और यहाँ तक कि जापान ने जो है फिर कोरिया पर राज करना शुरू कर लिया। तो चोसन राजवंश के हंगसंग देवनगन वांगे आबोजीरोसो राजा के पिता होने के नाते आदरियोरी की तरह जागी का नारल दासरेस्मिदा। और क्योंकि उनका बेटा इतना जवान था असल में वो खुद ही जैसा राज करते थे। मानन क्योरुल हागे देमन जागी की जालमोतान गची दरनागी तेमुने। और अगर उनको बाकी देशों के साथ कुछ लेन देन करना होता तो फिर उनकी कमी घटिया प्रकट हो जाती। इसलिए उसने दूसरे देशों के साथ बिल्कुल व्यापार करना बंद कर दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? कोरिया के इतिहास का सबसे दयनीय समय वो ठहरा जब जापान ने कोरिया पर राज करना शुरू किया। तो चौथा खुद की धार्मिकता का एक जो प्रभाव होता है वो ये है कि मन का जो जुड़ना है उसकी वजह से बिल्कुल टूट जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को अपने आसपास के लोगों के साथ मन बांटना जरूरी है। मुरी हल्लो या मुरी कैकथेजिनंग अच्छा। जब पानी बहता है तब वो साफ रहता है। मुरी कोयो इन्दम मुरन सक्सम्मिदा। पानी जब किसी एक ही जगह पर टिक जाता है तो वो सड़ जाता है। वैसे ही जब लोग मन आदान प्रदान नहीं करते तब वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। और वो मन किसी समस्या को छलांग नहीं कर सकता। मुंजे सोगे कोमिनहागो कंशिमागो कक्चंगागो इसल ते। तो कभी कभी आप किसी समस्या को लेकर परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। तारन सारे लोग क्योरु है बोमियन। तो आप जब ऐसी समस्याओं को दूसरे के साथ बांटते हैं। तो तारन सारे मामल पाता धरी। जब आप दूसरों का मन ग्रहण करते हैं। शुभके क मुंजे सो पर्सनल शुन्दे। तब आप आसानी से ऐसी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। हिंदे इंदरी कोरिप्टेन सालमल सालगो इसमें। लेकिन आजकल के लोग अकेलेपन में जीते हैं। तो आन छोंसोजनदल तो। तो नौजवान लोग भी बिल्कुल ऐसा जीते हैं। अकेलेपन का जीवन वो जी रहे हैं। और इसलिए अपने मन की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे।자, 이렇게 우리는 오름이 미치는 네 가지 영향을 살펴봤습니다. तो मैंने आपको बताया कि खुद की धार्मिकता के क्या असर जो है इंसान पे आ सकते हैं। सागोर्योगल भांगे अंको। सबसे पहले हमें गहराई से सोचने से वो रोकता है। कृसो इच्छाजगिन सेंगागेमा मोमुल्लो इक्के मान्दल। हमारी पहले गहरी की सोच में हमें फंसा के रख देता है। इच्छाजगिन सेंगाग समचाजगिन सेंगागल मोथागे मांगनंदा होयेसो। और फिर हमें दूसरे और तीसरे गहरे की सोच में जाने नहीं देती। तोन ई ओरोमन सियारल जोबाजिगे मान्दरोसो। अपनी सोच को बहुत छोटा बना देती है। 자기 중심적으로 편중된 생각을 가지고 살게 돼. और फिर ऐसा इंसान एक स्वयं केंद्रित जीवन जीना शुरू करता है। 세 번째, 고립을 가져주고. और उसके बाद इंसान अकेलेपन में गिर जाता है। 예, 자기가 잘난 줄 알고 오만한 삶을 살게 된다. और फिर वो इंसान घमंडी होकर अपने आप को सबसे बेहतरीन समझ के जीता है।
और उसका आदान प्रदान बिल्कुल बंद हो जाता है. नारुजी मोते सो पुरेंगान साल मर साल को मुंजे सो पर्सनल जी मोता के देंदा होता है. दूसरों के साथ जब मन नहीं बांट पाते तो ऐसा इंसान बहुत ही दयनीय जीवन जीना शुरू करता है. ओरमल गाजिन सारम दरे माउमी माउमे इरान को जे अंजोन यंग दरी तो खुद की धार्मिकता जो इंसान रखता है उसके साथ ये सब होता है. 여러분 이 오름이 가져주는 것 가운데 좋은 것은 하나도 없습니다. तो असल में खुद की धार्मिकता किसी को कोई फायदा नहीं देती. 여러분 처음 강연할 때 흰색 가면과 검은색 가면을 본 걸 기억하실 겁니다. तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक सफेद मास्क दिखाया था मैंने आपको एक काला मास्क दिखाया था. तो वैसे आत्मिक जो खुद की धार्मिकता है इसके भी दो पहले हैं. जितना पहलू है जितना ज्यादा मुझे लगता है कि मेरी सोच सही है जैसे कि वो मनुष्य जो कह रहा था कि मैंने टैक्सी का किराया दे दिया था तो चाहे एक तरफ वो सही था लेकिन दूसरी ओर उसने बहुत ही गलत किया. मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी धार्मिकता को छोड़ सके और आप एक खुशी भरा जीवन जी सके. तो अगले भाग में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने आप की धार्मिकता को छोड़ सकते हैं फेंक सकते हैं. तो कैसे फिर मिलेंगे.